तो यार इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दवात कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने खाली कर लिया। दिस इज ओमेगा कर्मिन, ओमेगा इंक है ये। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें थ्रेड डालेंगे, हम धागा डालेंगे, कोई भी वो पतला वाला जो होता है ना वो वाला डाल लेंगे। तो यार ये मैं ले आया हूँ। इसको ना ऐसे तमीज़ से ऐसे ऐसे नहीं निकालना, ठीक है? इसको यूँ ऐसे बदतमीज़ी से ही निकालना है, यूँ खुला खुला, ताकि वो जो एक चीज बनेगी ना वो मैं दिखाऊंगा बाद में। हाँ, तो यार ये इस तरह ना ऐसे निकालना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे मरोड़ मरोड़ के, उस तरह नहीं निकालना तमीज से, ये इस तरह यू इरेगुलर फॉर्म में निकालना है, ताकि वो वाली फील आए ना। और धागा ना वाइट ही लेना है, वाइट के अलावा कोई और कलर नहीं लेना, क्योंकि दूसरे कलर जो होते हैं वो अपना कलर छोड़ते हैं, मतलब क्या कहूँ, जब उनमें डाली जाती है ना दवा चवा, तो वो अपना कलर छोड़ते हैं बीच में। तो सबसे पहले यार अभी मैं जो ओमेगा है ना, ओमेगा ये थोड़ी वो होती है, गाढ़ी होती है, ओमेगा थोड़ी गाढ़ी होती है, तो इसमें ना हम डालेंगे 4-5 ये ना, मतलब इतना डालना है कि ये धागा गीला रहे बस, ठीक है? अभी इसी से करते हैं। तो यार ये हमारी हांडी तकरीबन तैयार होने वाली है, देखना ये। ये आई थिंक इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली थोड़ी पतली सी लग रही थी मुझे, फिर भी लिख के चेक कर लेता हूँ। इससे पहले जो मैंने ओमेगा यूज की थी वो ये थी, ये दूसरी है, ये ग्लास बॉटल है, ये मोरी, ये वाली प्लास्टिक की है, पता नहीं इस दफ़ा क्या किया इन लोगों ने। खैर जो भी है, लिख के चेक कर लेते हैं, अगर ये पतली वाली सही चल रही है फिर तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेंगे, मतलब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, अगर ज़्यादा पतली ना हुई तो इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ताती के लिए ना पतली यूज होती है। तो यार अब इसे चेक करते हैं कि कैसा है। तो आई थिंक इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पतली आई है इस बार, पिछली दफ़ा जो थी ना वो गाढ़ी थी, वो ज़्यादा गाढ़ी थी वो, और थी भी ग्लास बॉटल में, इस दफ़ा इसमें आई है। अगर डॉलर इंक यूज़ करते हैं ना तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी वाली जो मैंने अभी ये वाली जो ट्राई की थी ओमेगा, ये इस दफ़ा पतली आई है, तो इसमें भी मैंने पानी भी नहीं डाला। अगर गाढ़ी हो ना तो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, और ज़रूर डालते हैं, नहीं तो हरूफ साफ नहीं बनते हैं। अब देख लें दवात कैसी होनी चाहिए, ऐसी हो ना दवात कि जब आप कलम डिप करें ना तो ये जो स्याही है वो इस तरह नज़र आए, इसके बॉटम में स्याही हो, कि जब आप ऐसे करें ना यूं दवात को यूं करें तो हल्की हल्की बाहर निकल रही हो। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि हल्की हल्की जो है वो बिल्कुल बाहर ना निकल रही हो, इस तरह की भी बनाते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर हरूफ पूरे नहीं बनते, ठीक है? फिर वो आधा सा आप अलिफ लिखेंगे तो आधा लिखा जाएगा, उससे नीचे लगाने के लिए फिर और डिप करना पड़ेगा।
अब इतनी जो है ना ये सरफेस, ये जो ऊपर वाली इसकी सरफेस है ना, इसमें स्याही बिल्कुल ना दिखे, ठीक है। अब देखें ये अब गीली गीली दिख रही है, लेकिन ये ऊपर वाली सरफेस पे स्याही दिख नहीं रही। अगर आप डिप करेंगे तो आपको इसमें नजर आएगी, यूं अगर आप देखें तो यूं ये अब नजर आएगा, और अगर यूं करें तो हल्की हल्की साइड पे भी आ जाए, इतनी हो, बहुत ज्यादा कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। और ये कलम ना डिप करने के बाद ऊपर से साफ कर लेते होते हैं इसको कपड़े से, कपड़ा ठीक रहता है, टिश्यू वगैरह से साफ नहीं करना, टिश्यू से साफ करेंगे तो टिश्यू के ऊपर वो होते हैं क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे से जर्रे से होते हैं, वो इसके ऊपर आ जाएंगे कलम के ऊपर। तो कपड़ा यूज करें, कपड़े का इतना कोई इश्यू नहीं होता, बिल्कुल साफ हो जाता है।